हेलो गाइस, अभी हम मुझे बहुत दोस्तों ने बोला कि भाई लाइव स्ट्रीम मत किया कर, हाइलाइट्स डाला कर या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो डाल। तो उसी बेसिस पे मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको शो करने चाहता हूँ। लेकिन गाइस, ट्रोल करना है करो, लेकिन इसके पीछे का मकसद एक ही है कि आपको प्रॉपर कंट्रोल्स कैसे मैनेज करने हैं, क्रॉस हेयर को कैसे मैनिपुलेट करना है। क्योंकि क्या है, आप क्रॉस हेयर को लाइटली लेते हैं, अरे क्या है, एम करेंगे मार देंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, सो पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में है कंट्रोल्स कस्टमाइज। अभी मैंने मेरे कंट्रोल्स मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं। देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड में टॉप पे मेरे इंडेक्स फिंगर से मैं फायर बटन को प्रेस करता हूँ, रीलोड जस्ट उसके नीचे ही है, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ उस हिसाब से मैंने मेरे पूरे कंट्रोल्स सेट करे हुए हैं। बैग ओपन का ग्रेनेड में फेंकता हूँ तो कैंसिल बटन में थंब से ही कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैंने जो ग्रेनेड एक्टिव किया रहता है वो फायर बटन इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया हुआ ही रहता है, इसीलिए। रिवाइव का बटन लेफ्ट साइड में ही है, मतलब अराउंड 1 2 3, और स्कोप का, ये देखो स्कोप, जूम इन जूम आउट का बटन भी लेफ्ट पे रखा है। मींस लेफ्ट साइड में मैं एक्सेस करता हूँ मेरा मैप, प्लेयर्स के नाम, बटन है फायर बटन है, उसके बाद में रीलोड का बटन है, बैग ओपन का है, नेविगेशन का बटन है, स्प्रिंट वगैरह करते हैं, और इसका मतलब कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कंट्रोल्स मैंने लेफ्ट पे रखे हुए हैं। अभी राइट में ज़्यादा कंट्रोल्स है, लेकिन वो सिचुएशनल है, सिचुएशन के हिसाब से मैं उन्हें कंट्रोल करता हूँ। अभी इसमें है टॉप में जो फर्स्ट कंट्रोल है, स्प्रिंट और सेटिंग्स के बटन, सेटिंग्स माइक स्पीकर, वो टॉप में रखा हुआ है। उसके बाद में ही, उसके बाजू में ही है पिक एंड फायर का लेफ्ट राइट, एग्जिट बटन मैंने राइट वाले पिक के बटन के नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि एग्जिट व्हीकल में बैठने के बाद पिक का ऑप्शन आता नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर सही जगह पे है। उसके बाद में जंप का है, उसके ही नीचे स्कोप इन स्कोप आउट का है। अभी ये मैंने इन कंट्रोल्स पे बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए मैं इजीली इनको एक्सेस कर पाता हूँ। आप, मैंने ये सजेस्ट करता कि आप एज इट इज़ सेम ऐसे कंट्रोल्स आप रखो। ऐसे कंट्रोल्स नहीं रखोगे तो भी आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, हाँ अगर आप क्लॉ नहीं खेलते, थंब से खेलते हो, तो थंब के हिसाब से आप जल्दी से एक्सेस कर पाओ। देखो, ये गेम टाइमिंग का है, आपका रिएक्शन टाइम जितना क्विक होगा उतना ही एनिमी को कम टाइम मिलेगा आपको टैकल करने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ये सब चीज़ें अरेंज करनी है। अभी राइट साइड में पूरा, मतलब कम से कम 12 से मतलब अराउंड 15 से 20 कंट्रोल्स मेरे हैं जो मैं एक्सेस करता हूँ। सिचुएशनल है वो सब, मतलब जब ड्राइव करनी है तब ड्राइव, गेट इन ड्राइव या गेट इन का, डोर ओपन क्लोज का, जो कुछ है वो बटन्स मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। अभी इन्हें मैं सेव कर देता हूँ एज इट इज़। देखिए गाइस, मैं आईपैड से भी खेलता हूँ, मोबाइल से भी खेलता हूँ, दोनों सेटिंग्स मेरी सेम है दोनों, सिर्फ डिस्प्ले का डिफरेंस आता है, डिस्प्ले बड़ा है इसलिए मुझे वो सेटिंग्स ज़रा बोल्ड रखनी पड़ती है, बड़ी रखनी पड़ती है, और इजीली एक्सेस हो पाए उस हिसाब से मैं उन्हें अरेंज करता हूँ। सेम इसीलिए रखी है क्योंकि मैं अगर कभी शिफ्ट करता हूँ मोबाइल पे तो वो मुझे इजीली कंट्रोल करने में आसानी हो, इस वजह से मैं उन्हें ऐसे करता। अभी ट्रेनिंग मोड में जाएंगे, ड्रिल्स में आपको बताऊंगा कैसे करने। यूजुअली लोग इन डेप्थ उसे समझ नहीं पाते, समझते नहीं, सिर्फ अपना गेम प्ले दिखाते कि हाँ मैंने ऐसा मारा, ख़त्म। ये चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ। चलो फिर ट्रेनिंग मोड में जाएंगे, ट्रेनिंग मोड में। ओके, चलो अभी हम आ गए हैं ट्रेनिंग मोड में। चलो, अभी मैंने जो सेटिंग करी हुई है मेरी सेटिंग्स में,
मैंने एंटी एलियाजिंग को बंद करके रखा हुआ है, जो शार्पनेस अभी ये जो बॉक्स है जिधर मैंने कवर लिया हुआ है उसकी एजेस देखिए, ये स्मूथ नहीं है, थोड़ी कटी हुई है। वो चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए एंटी एलियाजिंग। अभी मैं S9 Plus यूज़ करता हूँ। डिवाइस मैटर करता है हर बार, कोई भी मतलब पबजी गेम खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, उसमें डिवाइस मैटर करता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशंस स्ट्रांग रहे, हार्डवेयर स्ट्रांग रहे तो आपका गेम परफॉर्म अच्छा करेगा। अभी इसमें S9 Plus में यूज़ करता हूँ तो S9 Plus में थोड़ा इशू है ग्राफिक का, इसलिए मैं बहुत ही लो ग्राफिक पे खेलता हूँ। अभी इसमें आपको आज मैं ड्रिल सिखाऊंगा सिर्फ AR गन की, स्नाइपिंग का बाद में देखेंगे। अभी यूजुअली गन्स आप यूज़ करते हो M4 या फिर AKM यूज़ कर रहे हो। जब सबसे ज़्यादा पावरफुल जो गन है ऑर्डिनरी जो इजीली मिल जाती है वो AKM है। AKM में आप मतलब प्रैक्टिस करो AKM पे, रिकॉयल कंट्रोल करना। अभी मैं इसमें आपको साइट्स भी बताऊंगा, कौन सी साइट्स लगेंगी, सब चीज़ें मैं क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके बैग, ओके अभी एमओ मिल गया हमें। ओके साइट्स पे जाएंगे। अभी यहाँ पर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, जब आप इसे गन में लगाते हो तो गन का रीलोड टाइम भी कम हो जाता है और फायरिंग स्पीड बढ़ाता है। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। कंपनसेटर मैंने क्यों लगाया, कंपनसेटर ऑब्वियसली आपको पता है रिकॉयल कम करता है। अभी ये M4 में मैंने स्टॉक लगाया, ओके। और उसके बाद में सबसे बेस्ट ग्रिप है लाइट ग्रिप। लाइट ग्रिप क्यों, मैं बाद में आपको जब ये ड्रिल ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको आर्मरी में जाके लाइट ग्रिप का इफ़ेक्ट आपको दिखाऊंगा, एकदम प्रूफ करके दिखाऊंगा कि लाइट ग्रिप क्या काम करती है। ओके अभी ये AKM है, AKM में सिर्फ लगती है मैग क्विक ड्रॉ, जो एक्सटेंडेड मैग रहती है वो, और कंपनसेटर, तो दोनों पे आपको रिकॉयल कंट्रोल करना है। अभी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 2x और 6x के साथ भी M4 को, जो M4 के साथ 6x का 3x करके खेलते हैं वो। ओके अभी ये क्रॉस हेयर है जो वाइट कलर का प्लस का मार्क है जिसके बीच में एक डॉट है, इसे आपको ध्यान में रखना। आपका कोई भी फेवरेट कलर रहे जो आपकी नज़र में जल्दी आए वो कलर आपको रखना है उसमें। ओके मैं कलर प्रेफर करता हूँ रेड, इसलिए मैं रेड कलर चूज़ करके रखता हूँ उस पर क्रॉस हेयर पे मेरे। ओके अभी सपोज इस पर आपको ड्रिल करना है। अभी ये एनिमीज़ है, एज्यूम करो ये सब एनिमीज़ है। ओके ये जो बोर्ड लगे है एम बोर्ड ए इनको, हाँ तो इन्हें समझो ये एनिमी है और आप स्प्रिंट कर रहे हो। ओके तो स्प्रिंट करते हुए, स्प्रिंट मीन्स ऐसे दौड़ रहे हो, तो दौड़ते समय क्रॉसर को ऐसे नीचे नहीं रखना है, ओके एनिमी के ऊपर रखना है जहाँ पर आपको लगता है एनिमी है वहाँ पर। अभी मैं नेविगेट कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट, मेरा जो राइट थंब है वो राइट थंब मैं लेफ़्ट राइट घुमा रहा हूँ। देखो ये लेफ़्ट फिर राइट, सॉरी ये लेफ़्ट थंब है मेरा, ये लेफ़्ट थंब मैं लेफ़्ट राइट, हाँ ये प्रैक्टिस करना है। ओके अभी इसके बाद में पिक एंड फायर का ऑप्शन जो है, जैसे पिक करते हो, ये मैंने टैप किया, ओके और फिर बाद में वापस मैंने टैप किया बटन पे तो पिक आउट हो गया, पिक इन किया मैंने। अभी मैंने ये बटन होल्ड करके रखा है, जैसे मैं रिलीज़ करूँगा ये बटन, मतलब जो प्लेयर है वो अपने कवर में आ जाएगा वापस। देखो ये मैंने प्रेस 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 प्रेस, ओके अभी सपोज़ आपको पता है एनिमी वो सीढ़ी के यहाँ पर है, क्रॉस हेयर को एज पे रखना है, देखो ओके क्रॉस हेयर को एज पे रखना है, पिक क्रॉस हेयर को एज पे, पिक क्रॉस हेयर को पिक के, हाँ तो ये आपको ड्रिल्स करनी है। सपोज़ आपने पहले TPP लिया, ओके TPP लिया, वो लैडर के यहाँ पर एनिमी है, क्रॉस हेयर को रखना है ऐसे, ओके एज पे, और
ऐसे ओके थोड़ा परफेक्ट, तो परफेक्ट करने के लिए आपको ड्रिल्स करने हैं, प्रॉपर ड्रिल्स करेंगे उसी के बाद में आप परफेक्शन ला पाओगे। अभी क्रॉस हेयर को प्रॉपर उसी डायरेक्शन में रखना है ओके, और उसके बाद में फायर करें। अभी मैं ये जायरो यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन टोटली मतलब ऑलवेज ऑन रहता है जायरो मेरा। इसका एडवांटेज ये है कि कभी आपको स्कोपिंग किया आपने और आपको एम मैनेज करना है मतलब क्विक, आप थंब को बार बार हिला नहीं सकते, थोड़ा सा मतलब 1-2 सेंटीमीटर का अगर एडजस्टमेंट रहे तो उसे मैनेज करने के लिए जायरो बहुत काम आता है। और रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए मैं जब फायर करता हूँ तो सपोज मैंने पिक किया, फायर किया, मैं फ़ोन को टिल्ट करता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ ऐसे नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिक मेरा रिकॉयल कंट्रोल हो जाता है। और थोड़ा थंब से भी मैं ट्राई करता हूँ, तो इसे प्रैक्टिस करनी है आपको ओके। अभी सेकेंड स्टेप है रन, मतलब रनिंग शॉट लेना। आप स्प्रिंट कर रहे हो, स्प्रिंट करते हुए सपोज अभी यहाँ से मुझे फायर आ रहा है, ये बंदा फायर कर रहा है, मुझे स्कोपिंग करना है, फायर ओके, देन फायर ओके, क्रॉस हेयर उसके सर के आसपास ही रखना है आपको। क्रॉस हेयर अगर उसके सर के आसपास रखोगे तो एम उस पर ही जाएगा। क्रॉस हेयर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ओके। अभी ये डिस्टेंस देखिए, ये एनिमी है, एनिमी और आपके बीच में इतना अगर डिस्टेंस होगा तो स्कोप ऑन नहीं करना है, ध्यान में रखो। ये इजीली हम इसे अटैक कर सकते हैं ओके। और एनिमी से आप अगर 30 मीटर दूर हो सपोज़ इतनी दूर, तो स्कोप ऑन करके मारना है ओके। ये चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि क्लोज फाइट में अगर आप स्कोप ऑन करते हो तो आपका स्पीड स्लो हो जाता है, आप मतलब स्प्रिंट नहीं कर पाते, आप लिटरली चल भी नहीं पाते, बहुत स्लो मोमेंट होता है। और ये डिसएडवांटेज हमारे लिए और एडवांटेज एनिमी के लिए है, वो फास्ट टैकल कर सकता है हमें, इसलिए हमें अगर लॉन्ग रेंज पे रहेंगे तभी हमें स्कोप ऑन करके उसको फायर करना है ओके। अभी ये रनिंग हुआ, अभी ये तो हो गया एनिमी के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस। अभी ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, फायर, ट्राई करो कि हेड पे स्कोप जाए ओके। बुलेट्स ख़त्म, अगेन रिफिल करेंगे ओके। अभी ये फायर कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्रिंट कर रहे हो, एनिमी दिखा, फायर ओके। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, स्प्रिंट करना है, लेफ्ट राइट ओके। ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों की। इसे ट्रेनिंग में कम से कम मतलब जो 1-10 मिनट का जो ट्रेनिंग रहता है या 20 मिनट का, वो ट्रेनिंग करो डेली, इजीली आपको मतलब प्रोनेस तो नहीं बोल सकते यार, लेकिन यहाँ परफेक्शन तो आ ही जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आ ही जाएगा ओके। ये ऐसे प्रैक्टिस करना है, मूविंग टारगेट्स को भी हिट करना है और जो स्टिल टारगेट्स हैं उन्हें भी आपको हिट करना है ओके। अभी ये चीज़ें हो गई क्रॉस हेयर की। अभी ये क्रॉस हेयर लॉन्ग रेंज का देखिए, अभी ये लॉन्ग रेंज पे मैंने क्रॉस हेयर, मैं क्रॉस हेयर हटा नहीं रहा, मतलब मैंने इधर रखा और वहाँ पर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्रॉस हेयर जहाँ पर है वहाँ पर ही आपको देखना है प्रॉपर। देखिए क्रॉस हेयर प्रॉपर रेंज पे रहेगा तो प्रॉपर वहाँ पर ही, देखो ये प्लेयर मुझे मार रहा था, मैं रनिंग में हिट कर रहा हूँ इसे, देखो मतलब ऑलमोस्ट मेरे 10-12 बुलेट्स तो उसे लगे रहे हैं ओके। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों को, ये प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं ओके ओके ओके। देखिए अभी ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो क्रॉस हेयर पे फोकस करना है और कभी क्रॉस हेयर ऐसे डाउन करके नहीं स्प्रिंट करना, जो कुछ है सामने ही रखना है। अगर एनिमी दिखे तो सपोज़ ये एनिमी है, स्कोप इन और ये स्कोप आप खोलोगे तो टैप वाला नहीं खुलना ऐसे ओके। स्कोप को
होल्ड करके रखना छोड़ना, होल्ड करके रखना छोड़ना, होल्ड करके रखना छोड़ना। देखो मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं मतलब टैप नहीं करा, ऐसे टैप करके फिर ऐसे, टैप करके फिर ऐसे, एक दो मिली सेकेंड्स का फ़र्क रहता है टैप टैप करने में, और स्कोप पकड़ के छोड़ने में ईजी हो जाता है वो चीज़। तो यही है। और इसका सेटिंग्स कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आप जनरल बेसिक सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में देखिए, यहाँ पर पिक एंड फायर का एनेबल किया हुआ है, एनेबल है। लीन मोड है वो मिक्स है, मतलब टैप होल्ड। मैंने मिक्स क्यों रखा है, कभी कभी टैप करना पड़ता है, कभी कभी होल्ड करना पड़ता है, तो उस हिसाब से टैप और होल्ड को मिक्स ही रखना। स्कोप मोड को भी लीन, मीन्स जो पिक के लिए लीन होता है ना, क्रॉस होके पिक लेता है, उसके लिए लीन मोड रहता है, और स्कोप मतलब डायरेक्ट स्कोप ऑन रहता है, उसके लिए ये स्कोप मोड है। ओके, उसके बाद में जायरो का मेरा ऑलवेज ऑन रखा हुआ है। डिस्प्ले, ये तो बटन, दो बटन्स मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए वो मैंने ऑलवेज ऑन रखे हुए। बाकी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप बटन्स को सेट कर सकते हो। ओके, नाउ अभी एकेएम की बारी। एकेएम को अगर आप कैरी करते हो तो लॉन्ग रेस्ट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से ना ही करो तो बेहतर रहेगा। M4 का रिकॉयल बहुत कम है, इसीलिए M4 आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन AKM को क्रॉस रेंज में, क्लोज रेंज में अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव गन है ये। सपोज़ अभी ये मूविंग टारगेट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि क्रॉस एयर को मूविंग टारगेट्स पे ही रखना है। ओ ट्रेनिंग एंड अगेन, चलो अगेन जाएंगे, और एक बार, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया लगता है। चलो हम लॉबी पे आ ही गए, तो M4 का रिकॉइल चेक करते हैं साइट्स लगा के। यहाँ पर M4 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अभी M4 में मैं लगाता हूँ, स्कोप कोई भी लगा लो, चलो 6x लगा दें। अभी इसमें है मजल, मजल में मैं लगा रहा हूँ कंपनसेटर। देखो रिकॉइल में हल्का सा रेड कलर, रिकॉइल में कम रेड कलर का मार के देखो, ये देखो मैं कम कर रहा हूँ, हल्का सा रिकॉइल कम हो गया। ओके, उसके बाद मैं एक्सटेंडेड मैग लगाता हूँ, ये क्विक ड्रॉ लगाता हूँ। क्विक ड्रॉ लगाने के बाद फायरिंग स्पीड, देखिए फायरिंग स्पीड बढ़ गई, देख लीजिए येलो कलर में ये फायरिंग स्पीड बढ़ गई, और कैपेसिटी बढ़ गई, 10 गोलियाँ बढ़ती है वो तो सबको पता है। अब इसके बाद में जो दिखाऊंगा यार, रिकॉइल लाइट ग्रिप लगा के देखो, इतना रिकॉइल कम हो जाता है M4 का, लिटरली मतलब 20% रिकॉइल कम हो जाता है। ओके, ये रिकॉइल कम हो गया। इसके बाद में स्टॉक लगाएंगे। ओके, इसका रिकॉइल में देखिए लाइट इफेक्ट है, मतलब अराउंड 22-23% तो रिकॉइल ख़त्म। ओके, तो इतना रिकॉइल कवर करता है M4 में। M4 बेस्ट गन है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, यूज़ करना चाहिए इसे, लेकिन लॉन्ग रेंज यार बहुत ही उम्दा है। क्लोज रेंज में अगर सामने वाले के पास AKM है तो भाई बहुत कम चांस रहते हैं सर्वाइव करने के, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव गन है ये। तो अभी वापस एक बार जाएंगे AKM का, एक मैं आपको ड्रिल बताऊंगा। AKM पे दो गन मिलती है हमें वो इजीली, तो इसके बाद में वीडियो ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, रिकमेंड करना दोस्तों को, शेयर करना दोस्तों के साथ वीडियो। भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी को अच्छी वीडियो लगती है तो। भाई कमेंट्स में ज़रूर लिखना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं उसी पे लेके आऊँगा वीडियो, प्रॉपर स्टडी करके उसके ऊपर। ओके, टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर उसको एनालाइज करके मैं चैनलाइज करूँगा। ओके, अभी इसमें मैं कंपेंसेटर लगा रहा हूँ। ओके, कंपेंसेटर और मैग, ओके दो ही चीज़ें लगती है इसमें,
कोई मतलब ये नहीं है। अभी मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ 3x लगाकर और नो स्कोप, मतलब 3x या फिर नो स्कोप, दोनों में से एक। तो पहले मैं नो स्कोप करूँगा। सपोज़ हम क्लोज रेंज में फ़ाइट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग रेंज भी है, तो लॉन्ग रेंज में ये ज़्यादा उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत रिकॉइल कंट्रोल करना पड़ता है इसका, बहुत रिकॉइल हार्ड है इसका। तो क्लोज रेंज में ये क्लोज रेंज में ठीक ठाक है, क्लोज रेंज में बहुत ही रिकॉइल अच्छा है इसका, और क्लोज रेंज में डैमेज भी बहुत बढ़िया करती है। तो क्लोज रेंज में इसे प्रेफर करो। ड्रिल करना के एक ऑब्जेक्ट पकड़ो सामने, कवर लो, कवर लेके पिक लो, फायर करो, पिक लो, फायर करो, ओके, मूव करते रहो एक साइड से दूसरे साइड, ओके। अभी फायर करोगे, सपोज ये एनिमी है आपके सामने है, आपको पता है सामने से वो आ रहा है, तो आप पिक करके डायरेक्ट फायर कर सकते हो, ओके। उसको टाइम भी मिलेगा नहीं सोचने के लिए कि कहाँ से फायर होगा, सिर्फ आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है कि कैसे रिकॉइल को कंट्रोल करे और एक्शन को इम्प्रूव कैसे करे, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के खेलनी है, और क्रॉस एयर पे बहुत ही ध्यान ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि क्रॉस एयर को अगर आप कहीं और जगह पे रखोगे तो मसला हो सकता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और कमेंट करना, मुझे बताना ये जो फर्स्ट वीडियो है मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स का, या आपको कैसा लगा। मैंने इसमें सिर्फ आपको कंट्रोल्स और क्रॉस एयर को मैनेज करना, जायरो पे कैसे खेलेंगे वो, आपको क्लॉ खेलना है क्लॉ खेलिए, थम से खेलना है थम से खेलिए, आप जैसे प्रेफर करते हो, जैसे कंफर्टेबल हो, और भाई फ़न के लिए खेलो, कंपटीशन नहीं करना है किसी चीज़ में यार, ये गेम है, गेम फ़न के लिए खेलो, मज़े लो, बाकी हारे जीते टायर पुश करना है, मुझे एस पे जाना है, कॉन्करर पे जाना है, इन चीज़ों को ध्यान में मत लो, फ़न के लिए खेलो, एन्जॉय करो गेम को, ओके। ओवर एंड आउट, गुड बाय, टेक केयर।